नौजवानों देखेंगे आज की खास खबर। जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने का लाभ झोला छाप डॉक्टर उठा रहे हैं। इन डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना तो उनके पास एलोपैथिक पद्धति से इलाज करने की डिग्री है और ना ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला रजिस्ट्रेशन, फिर भी इनकी दुकान बदस्तूर जारी है। यह झोला छाप डॉक्टर जिले में गांव की नहीं बल्कि शहर में भी अपना फर्जी कारोबार इलाज के नाम पर चला रहे हैं। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से गांव के मासूम ग्रामीण और शहर की गरीब जनता को बचाने के लिए समाज सेवी एवं लोक जनशक्ति पार्टी की महिला विंक की जिला अध्यक्ष द्वारा झोला छाप डॉक्टर हटाओ मरीजों की जान बचाओ मुहिम विगत एक सप्ताह पूर्व छेड़ी गई थी, जिसके तहत उनके द्वारा जिला मुख्यालय सहित आसपास के गांव में जाकर झोला छाप डॉक्टरों की डिग्रियां व रजिस्ट्रेशन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान चौंका देने वाला तथ्य निकलकर सामने आया है। जिला अध्यक्ष नेहा सिंह ने बताया कि समूचे जिले में करीब 4,500 झोला छाप डॉक्टर है, जिनमें से तकरीबन 2,000 डॉक्टर बंगाली, चांसी, उड़ीसा, बिहारी एवं उत्तर प्रदेश के कई शहरों के हैं। जी नेहा जी, आज कहाँ पे आई हैं आप? छतरपुर में कम से कम झोला छाप डॉक्टर हैं 200 से ऊपर है। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते ये हो रहा है कि इतने अच्छे डॉक्टर होने के बावजूद भी झोला छाप डॉक्टरों की जनसंख्या अमर बेल की तरफ बढ़ती चली जा रही है। मैं आज 4 दिन से बराबर निरीक्षण कर रही हूँ, जाके सर्वे कर रही हूँ और वहाँ मुझे बहुत से मरीज पाए जा रहे हैं। एक ही इंजेक्शन से मरीजों का इलाज किया जा रहा है और डिग्री उनके पास है नहीं, लाइसेंस उनके पास है नहीं, रजिस्टर उनके पास है नहीं और फिर भी वो अपनी दुकान चला रहे, धंधा बना के रखा है, मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं बस अपने तरफ से यही करना चाहती हूँ कि ये जो मरीज यहाँ आते हैं और ये दवाई ना खाएं, इन डॉक्टरों से दूर रहें ताकि हमारे छतरपुर में अच्छी तरह से दवाइयाँ इलाज हो सके मरीजों का और जो जनरली डॉक्टर हैं उनके पास जाकर दवाई दे सकें मरीज। इसलिए मैं सर्वे करने यहाँ आई हूँ। ये बंगाल के डॉक्टर साहब हैं जिनके पास कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करवाएंगे? यदि इतने सारे डॉक्टरों मैं जो सर्वे कर रही हूँ, मुझे ऐसे बहुत सारे डॉक्टर मैंने अभी तक किया है और यदि नहीं कुछ होता है मैं मांग करूँगी, इसी में चिकित्सा विभाग में शिकायत भी दर्ज करूँगी और यदि मांग नहीं होती है पूरी मेरी तो मैं इसके लिए आंदोलन भी करूँगी।